नमस्कार जनप्रवास ओवर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अपने मंत्रियों का ऐलान। अमित शाह को सौंपा गया केंद्रीय गृह मंत्री का प्रभार। मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री बनाए गए वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह। निर्मला सीतारमण को सौंपी गई वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी। नितिन गडकरी के मंत्रालय में नहीं किया गया कोई बदलाव। पहले की तरह ही बने रहेंगे सड़क परिवहन मंत्री। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय का सौंपा गया जिम्मा। नरेंद्र तोमर को बनाया गया कृषि और पंचायती राज मंत्री। पीयूष गोयल को रेल और हर्षवर्धन को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। रविशंकर प्रसाद को सौंपी गई कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी। प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण तो पासवान बने उपभोक्ता मंत्री। नरेंद्र तोमर को कृषि मंत्रालय और सदानंद गौड़ा को बनाया गया रसायन मंत्री। स्मृति ईरानी के हाथों में आई महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। रमेश पोखरियाल को HRD और नकवी को बनाया गया अल्पसंख्यक मंत्री। महेंद्रनाथ पांडे को कौशल विकास और अर्जुन मुंडा बने आदिवासी मंत्री। गिरिराज सिंह को मिला पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। खेल एवं युवा मामलों के स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने किरण रिजू। प्रहलाद जोशी को सौंपी गई संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। साइकिल पर चलने वाले प्रताप चंद्र सारंगी बने सूक्ष्म लघु उद्योग राज्य मंत्री। सरलता की प्रतिमूर्ति सारंगी के लिए अमित शाह ने बजाई तालियां। अनुराग ठाकुर को मिला वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय। मंत्रिमंडल में शामिल होने पर बधाई देने वालों का लगा तांता। कई मंत्रालयों का कामकाज खुद देखेंगे पीएम मोदी। पीएमओ कार्मिक और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय अपने पास रखा। कार्मिक मंत्रालय के अधीन है ट्रांसफर व पोस्टिंग का कामकाज। जन शिकायत पेंशन मंत्रालय अंतरिक्ष मंत्रालय भी पीएम के पास। विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्री पहुंचे मंत्रालय। अपने अपने विभागों का संभाला पदभार। शपथ लेते ही एक्शन में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिम्सटेक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक आज। कैबिनेट में संसद सत्र की तिथि पर लिया जा सकता है निर्णय। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सेना ने कार्रवाई में दो आतंकियों को किया ढेर। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के DGP RP ठाकुर को हटाया। YSR कांग्रेस की हिट लिस्ट में थे DGP। सीएम नीतीश कुमार की खुलकर सामने आई नाराजगी। इशारों में भाजपा पर किया कटाक्ष। कहा कोई भ्रम न पाले ये बिहार की जनता की जीत। एडमिरल करम सिंह बने नौसेना के 24वें अध्यक्ष। कारबार ग्रहण करते ही बोले बखूबी निभाऊंगा जिम्मेदारियां। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने 3 मोबाइल स्नेचरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शातिर बदमाशों से 3 मोबाइल फोन किए बरामद। बदमाश बाइक पर बैठकर राह चलते लोगों को बनाते थे निशाना। घटना का खुलासा करते समय सेक्टर 60 पुलिस चौकी इंचार्ज रोशन सिंह रहे मौजूद। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पहुंचे मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे। मीडिया को संबोधित करते हुए बैठक के बारे में दी जानकारी। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक का आयोजन। 2019-20 के लिए 2223 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। नॉलेज पार्क से जेवर एयरपोर्ट के मेट्रो लाइन के लिए 500 करोड़ का बजट पास। 5 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए किया जाएगा काम। जेवर एयरपोर्ट के लिए 425 करोड़ रुपए हुए मंजूर। CEO अरुणवीर सिंह ने बिड ओपन कर कंपनियों को दिया न्योता। दाहोद में 20 तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई भव्य रैली। दाहोद तालुका पंचायत में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दाहोद कलेक्टर विजय खराड़ी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। भयानक रसायनों वाले बीड़ी सिगरेट के जहरीले धुएं के प्रति किया जागरूक। श्रावस्ती में बड़े धूमधाम से अता की गई अलविदा की नमाज। नमाजियों से खचाखच भरी थी मस्जिदें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मस्जिदों के पास तैनात रही भारी पुलिस फोर्स। आला अफसर भी भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लेते रह जायजा। रमजान माह के आखिरी शुक्रवार को अता की जाती है अलविदा की नमाज। छोटी ईद के नाम से भी जानी जाती है अलविदा की नमाज। जिले के इकौना गिलोला और भिनगा में लोगों ने पढ़ी नमाज। जमनुहा इलाके में भारी संख्या में मस्जिद पहुंचे लोग। UP भाजपा ने दोबारा PM बनने पर मोदी सरकार को दी बधाई। देश के विकास और सफलता के शीर्ष पर जाने की जताई आशा। मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश को मिली है विशिष्ट भागीदारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मंत्री बनने पर भी दी बधाई। BSP सुप्रीमो मायावती ने 3 जून को बुलाई पार्टी की बैठक। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर की जाएगी समीक्षा बैठक। दिल्ली के बसपा कार्यालय पर सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। पदाधिकारियों को सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुंचने का दिया गया निर्देश। सभी कोऑर्डिनेटर नवनिर्वाचित सांसद और लोकसभा प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। जिला अध्यक्षों को भी बैठक में शामिल होने का दिया गया निर्देश। बसपा को लोकसभा चुनाव में नहीं मिली अपेक्षित सफलता। सपा बसपा गठबंधन के असफल होने के कारणों पर होगी चर्चा। बुलंदशहर के SDM ने नगर के कोचिंग सेंटरों पर की छापेमारी। गुजरात के सूरत हादसे को देखते हुए प्रशासन ने उठाया कदम। SDM ने की सुरक्षा और छात्रों के बैठने के इंतजामों की जांच। कार्रवाई से कोचिंग सेंटर संचालकों में मचा हड़कंप। कोचिंग सेंटरों के परमिशन और फीस की भी हुई जांच। बिना रजिस्ट्रेशन सेंटर चला रहे संचालक शटर डालकर हुए फरार। बुलंदशहर में SDM ने शराब की दुकानों का भी किया निरीक्षण। बाराबंकी जहरीली शराब हादसे को देखते हुए की गई कार्रवाई। शिकारपुर में होटलों ढाबों और शराब की दुकानों की हुई चेकिंग।
टीम के हाथ नहीं लगी कोई भी संदिग्ध वस्तु। रामपुर में अतिक्रमण पर नगर पालिका ने कसा शिकंजा, सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस बल के साथ चलाया गया अभियान। दुकानें और आगे निकले हुए चबूतरे पर चला पीला पंजा, अतिक्रमण में आने जाने वाले लोगों को हो रही थी दिक्कत। विश्व कप के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने जीता टॉस, पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए किया आमंत्रित। विश्व कप में दोनों टीमों ने आज खेला पहला मुकाबला, जीत के साथ करना चाहेंगी टूर्नामेंट का आगाज। पाकिस्तान ने 21वें ओवर में ऑल आउट होकर बनाया 105 रन, वेस्ट इंडीज की तरफ से रसल ने झटके 2 विकेट। बैटिंग बॉलिंग से ज्यादा फील्डिंग पर है टीम इंडिया का ध्यान, मुकाबले से पहले विराट ने आजमाया आप स्पिन पर हाथ। विश्व कप को लेकर सचिन तेंदुलकर ने की भविष्यवाणी, वार्नर, राशिद और जोफ्रा आर्चर हो सकते हैं गेम चेंजर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।